अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर विजय मर्चेंट की शैली गजब की थी और दुनिया उनकी तकनीक की दीवानी थी। आज भी विजय मर्चेंट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड है। विजय मर्चेंट ने नवंबर 1951 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ 40 साल की उम्र में सेंचुरी लगाई थी और 154 रन की पारी खेली थी। ये आज भी भारत की ओर से सबसे ज्यादा उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी हैं। विजय मर्चेंट डॉन ब्रैडमैन के जमाने के महान क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनका वास्तविक नाम विजय सिंह माधोजी ठाकर से था। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1911 को तत्कालीन मुंबई प्रेसिडेंसी में एक धनी परिवार में हुआ था। जब वो मात्र 15 वर्ष के थे तब उन्होंने एक मैच में 2 शतक बना दिए। 5 फीट 7 इंच की ऊंचाई हो जाने पर उन्होंने अपना फुटवर्क सुधारते हुए गेंद के बेहतरीन कट लगाने आरंभ कर दिए। उन्होंने 1929 से 1946 के बीच बम्बई टूर्नामेंट्स के हिंदूज का प्रतिनिधित्व किया। 1933 से 1952 में अपने रिटायरमेंट तक विजय मर्चेंट ने रणजी ट्रॉफी में बम्बई का प्रतिनिधित्व किया था। उनके प्रथम श्रेणी मैचों में 44 शतकों में 11 में 200 से अधिक रन बने थे। क्रिकेट में सफलता का पैमाना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन को माना जाता है, जो क्रिकेट के बादशाह समझे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1948 के बाद से प्रतिवर्ष हर सफल खिलाड़ी को डॉन ब्रैडमैन घोषित किया जाता है। वेस्टइंडीज के जॉर्ज हेडली को ब्लैक ब्रैडमैन कहा जाता है। यद्यपि सुनील गावस्कर ने क्रिकेट में अनेक रिकॉर्ड तोड़े हैं, परंतु वो ब्रैडमैन से कुछ पीछे रह गए। लेकिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट ने प्रथम श्रेणी में अपना औसत 71.64 बना लिया, जो केवल डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि विजय मर्चेंट के टेस्ट मैचों में आंकड़े काफी अलग हैं, जिनमें उनका औसत 47.72 है। घरेलू पिच पर उन्होंने हजारों रन बना डाले। उन्होंने इंग्लैंड के 2 दौरों पर जो 10 वर्ष के अंतराल पर हुए थे बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर 4000 रन बना लिए। भारतीय घरेलू स्तर पर भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी मैचों से बेहतर प्रदर्शन किया और 47 पारियों में उनका 98.75 का औसत रहा। विजय मर्चेंट ने एक बार 359 रन का स्कोर बनाया था और 10 घंटा 45 मिनट की पारी में वो आउट नहीं हुए थे। ये रनों का कारनामा उन्होंने 1943-44 में मुंबई में महाराष्ट्र के विरुद्ध बनाया था। इन रनों को बनाने के दौरान उन्होंने 6 विकेट की साझेदारी के लिए मोदी के साथ 371 रन और 8 विकेट की साझेदारी के लिए आरएस कपूर के साथ 210 रन की पारी खेली थी। इसके एक वर्ष बाद 1945 में उन्होंने मोदी के साथ मिलकर 3rd विकेट की साझेदारी के लिए पश्चिम भारत के विरुद्ध 373 रनों की साझेदारी की। 1938-39 से 1941-42 के बीच लगातार 7 पारियों में विजय मर्चेंट ने रणजी ट्रॉफी में 6 शतक बनाए। विजय मर्चेंट ने 10 टेस्ट मैच खेले और अंत में सर्वाधिक 154 रन बनाए। ये रन उन्होंने 1951-52 में दिल्ली में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए। तभी क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग के दौरान उनके कंधे में मामूली चोट आई, जिसके कारण उन्हें तुरंत क्रिकेट से रिटायर होना पड़ा। इससे पहले उन्होंने 5 वर्ष पूर्व ओवल में अगस्त 1946 में 128 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। विजय मर्चेंट अपनी पारियों की फिल्म बनाते थे, फिर उन्हें गौर से स्टडी करते थे। यद्यपि उन्होंने प्रारंभिक दिनों में खेलने की कोई कोचिंग नहीं ली थी, परंतु वो एलपी रॉय की स्टाइल भरी बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 1933-34 में सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। अपनी शुरू की 6 पारियों में वो कोलकाता में सर्वाधिक स्कोर 54 ही बना पाए थे। उन्होंने 1936 में इंग्लैंड का दौरा किया और 51.32 के औसत से सर्वाधिक 1745 रन बनाए। मैनचेस्टर टेस्ट में विजय मर्चेंट ने 114 और मुश्ताक अली ने 112 रन बनाए थे। प्रथम विकेट की साझेदारी के लिए दोनों ने मिलकर 203 रन बनाए। लंकाशायर मैच में विजय मर्चेंट ने ओल्ड ट्रेफर्ड में दोनों पारियों में बेहतरीन खेल दिखाते हुए 135 और 77 रन बनाए। 1936 में मिली सफलता के कारण ही विजय मर्चेंट को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर
चुना गया। विजय मर्चेंट बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। वे 1946 में सीनियर नवाब पटौदी की टीम में उप कप्तान थे। उस समय उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 74 के औसत से 2385 रन बनाए, जिनमें 7 शतक शामिल थे। ये रन उन्होंने लंकाशायर और सेसेक्स के विरुद्ध बनाए थे। अपने अंतिम टेस्ट मैचों में उन्होंने 5 पारियों में 245 रन बनाए। अंतिम ओवल टेस्ट में उन्होंने 128 रन बना लिए। विजय मर्चेंट ने 18 वर्षों के दौरान 10 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 859 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी मैच में उन्होंने 47 पारियां खेली, जिनमें 16 बार शतक लगाए और आश्चर्यजनक औसत 98.75 से उन्होंने 3639 रन बनाए और मीडियम पेस ऑफ स्पिन गेंद फेंकते हुए 31.87 के औसत से 65 विकेट लिए। खेलों से संन्यास लेने के पश्चात वो एक प्रशासक, लेखक और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बन गए। वो खेल चयन समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने ही वाडेकर को टीम का कप्तान बनाया था। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी भरपूर योगदान दिया। 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से 27 अक्टूबर 1987 को मुंबई में इस क्रिकेट के महान खिलाड़ी के जीवन की पारी का अंत हो गया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।